करते हैं। तो गाइस ये काफ़ी अच्छे से ये हवा फेंक रहा है। हमने कुछ इस तरह का बोतल का एक ढक्कन ले लिया है, उसके बाद हमें इसके बाद मोटर मोटर पे कुछ इस तरह से रखेंगे और बोतल के ये ढक्कन पे मोटर को हम चिपकाएंगे। तो सबसे पहले लेते तो कुछ इस तरह से इसको लगा देते हैं टेप। तो कुछ इस तरह से गाइस इसको लगा देते हैं टेप, कट करना इसको टूटा देते हैं। उसके बाद हमें कुछ इस तरह से राउंड में भी इसको चिपका लेते हैं ताकि मजबूती बने रहे। तो हम इसको चिपका देते हैं एक राउंड। तो गाइस इसको चिपका लेने के बाद कुछ इस तरह से चिपका लेने के बाद हम एक लेंगे एक बोतल, बोतल के ऊपर कुछ इस तरह का इसको कुछ इस तरह से घुमा देंगे। तो गाइस ये घूम के कुछ इस तरह से बन गया। तो अब इस पे हम लगाने वाले हैं एक फ़ैन, कुछ इस तरह का फ़ैन है तो हम इसको लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें करना है यहाँ पे कनेक्शन कनेक्शन वगैरह। तो ये दो वायर और एक लेंगे हम लिथियम बैटरी इसको। उसके बाद हमें लेना है एक स्विच बटन। तो गाइस हम बोतल के ऊपर लिथियम बैटरी चिपकाने के लिए कुछ इस तरह से लिथियम बैटरी लेंगे, उसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से टेप को लपेटना है थोड़ा सा। उसके बाद हमें बोतल पे कुछ इस तरह से प्रेस करना होगा, कुछ इस तरह से हम इसको चिपका लेते हैं। ये देख सकते हो आप, ये आसानी से लिथियम बैटरी चिपक चुका। उसके बाद हमें ये है एक लिथियम बैटरी का माइनस का वायर और यह बैटरी का माइनस का वायर को हम आपस में जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से। अभी इसको जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे ऑफ ऑन चालू बंद करने के लिए हमें पंखे को, इसके लिए हमें एक स्विच लगाना होगा कुछ इस तरह का। तो हम इसको एक साइड लिथियम बैटरी का वायर को हम इस स्विच पे लगाते हैं, उसके बाद दूसरे साइड पे हमें मोटर का वायर का को कुछ इस तरह से मोटर का वायर को हम इस पे जोड़ने वाले हैं। तो गाइस इसको हम जोड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से, हमने इसको जोड़ दिया। अब इसको हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको जोड़ लेने के बाद पूरा ये स्विच वगैरह लिथियम बैटरी जोड़ने के बाद हमें कुछ इस तरह से डीसी सॉकेट यानी कि हम लगाने वाले हैं कुछ इस प्रकार से डीसी सॉकेट ताकि ये लिथियम बैटरी को चार्ज किया जा सके। तो हमें यहाँ पर माइनस का वायर को यहाँ पर इस वाले माइनस पे लगा देना है लिथियम बैटरी के माइनस पे। उसके बाद एक बचा ये प्लस का, तो ये प्लस का वायर ये लिथियम बैटरी का प्लस का है तो हमें इसको सिंपल सी यहाँ पे लगा देने का है कुछ इस तरह से। इसको हम पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह से अच्छे से इसको दोबारा से जोड़ देंगे। और यह टच हो जा रहा है इस पर। तो कुछ इस तरह से गाइस हमने इसको पूरा कनेक्शन वगैरह कर लिया है। अभी हम इसको कहीं पे सेट कर देते हैं ताकि चार्ज करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे चिपका देते हैं इसको। तो गाइस ये पंखा बनके तैयार है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो ये इस तरह से डबल साइडेड टेप की मदद से इसको हमने चिपकाया है कुछ इस तरह से बटन को। अब आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, स्प्राइट का बोतल है, आप इस पर बना सकते हो कुछ इस तरह से फ़ैन और गर्मी से राहत पा सकते हो। तो इसके लिए हमें चार्ज करने के लिए कुछ इस तरह का डीसी सॉकेट मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप एक चार्जर लेना, कुछ इस प्रकार से चार्जर, इसका पिन आप देख सकते हो, इसका पिन को आप इस पाले पर डाल देना चार्ज करने के लिए। लिथियम बैटरी को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद चार्ज हो जाने के बाद आप इसको निकाल के इस फैन को यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको ऑन करने के लिए हमने स्विच बटन लगाया है, तो इसको हम चालू करते हैं। तो गाइस ये काफ़ी अच्छे से ये हवा फेंक रहा है और काफ़ी ठंडी हवा भी हमको दे रहा है, तो काफ़ी आवाज़ भी ये कर रहा है। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर। तो गाइस इसको करते हैं
पहले आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।